हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वर्ष 2019 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूफिया पहुंची देवगढ़। गाजी बाजी के साथ देवगढ़ महल में हुआ स्वागत। प्रतिदिन 55 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंची बालिका शिक्षा के प्रतीक हो जागरूक सूफिया। कश्मीर के कन्याकुमारी तक वर्ष 2019 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने वाली सूफिया एक दौड़ के अभियान के तहत देवगढ़ पहुंची है, जहां देवगढ़ महल के जनरल मैनेजर अजीज खान ने उनका शाही अंदाज में गाजी बाजी के साथ रजवाड़ी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सूफिया से विशेष बातचीत करने पर बताया कि मैं 16 दिसंबर को दिल्ली से रन फॉर होप सद्भावना अभियान गोल्डन कोऑर्डिनेटर के तहत अभियान की शुरुआत की गई। प्रतिदिन 55 किलोमीटर दौड़कर राजसमंद के देवगढ़ महल में पहुंची हूं। मेरे इस अभियान का उद्देश्य ये है कि वर्तमान समय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, बेटियों को एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वो आगे बढ़कर अपने क्षेत्र का देश का नाम रोशन कर सके। प्रतिदिन जगह जगह पर आम लोगों से मिलती हूँ। इंसानियत आपसी भाईचारा का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अभियान 6000 किलोमीटर का है, जिसके तहत दिल्ली से मुंबई, यहाँ से चेन्नई कोलकाता होते हुए वापस दिल्ली में अभियान का समापन होगा। मैं देवगढ़ में 2 दिन से रुकी हूँ। पैरों में तकलीफ होने के कारण चलने में ज्यादा समस्या हो रही है। देवगढ़ महल में रुक कर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वही राजा महाराजाओं के यहाँ पर रुकी हुई हूँ। यहाँ के स्टाफ कितनी अच्छी सर्विस की मैंने अभी तक के टूर में कहीं नहीं देखी। यहाँ के खाने की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और महल के बनावटी इमारतें देखकर मन गदगद हो गया। देवगढ़ के आसपास का नजारा काफी मनमोहक है, यहाँ ठहर कर बहुत अच्छा लग रहा है। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।